और आज फाइनली हमारी एक और डील बन गई है माशाल्लाह से। यहाँ पे जो उनके रेडी टू ईट जो पेयर्स है ना, वो भी जो है वो हमने यहाँ पे इनसे बाय करनी है। दोनों ने एक साथ हमला किया। इससे जो बड़े वाले ब्राह्मण के चूजे हमने लिए थे उनकी भी जरा अपडेट चेक करें और इनके इन पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं इनकी एज वगैरह के हवाले से। अब इनको मैंने ये सोचा है कि इनको मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है वो न्यू एंट्रीज हो चुकी है, तो भाई अपडेट तो भाई बनती है कि भाई न्यू एंट्रीज हमारी क्या कर रही है। छोटे वाले चूजे भी लिए और दरमियाने साइज के भी लिए, जो कि तकरीबन 3 महीने तक के होंगे, 2.5 से 3 महीने तक के होंगे। तो आज इंशाल्लाह सबके अपडेट लेंगे, सबको जो है वो पानी आज हमने मल्टीविटामिन्स का ऐड करना है, तो वो सबको मल्टीविटामिन्स का पानी ऐड करेंगे। और बड़ी वाली मुर्गियों की भी अपडेट लेंगे भाई वो क्या कर रही हैं। और भाई दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, वो ये है कि जिसकी मुझे बहुत अर्से तलाश थी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई लाइट कोलम्बियन ब्रामा का रेडी टू ब्रीड जो है वो पेयर माशाल्लाह से मिल गया है। तो उसका जो ब्लॉग है वो भी इंशाल्लाह मैं यहीं पर अटैच कर दूंगा। कल बेसिकली वो हमने बाय किया था, तो कल हम उसको लेके आए थे, तो वो मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूंगा। उसके बाद क्या स्टोरी हुई थी वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, कल हम लोग जो है वो यहाँ पे आए थे चूजे लेने के लिए और आज फाइनली हमारी एक और डील बन गई है माशाल्लाह से। यहाँ पे जो उनके रेडी टू ब्रीड जो पेयर्स है ना, वो भी जो है वो हमने यहाँ पे इनसे बाय करनी है। और मतलब ये कि चाह तो रहते हैं सारे मिल जाते हैं, मगर कुछ उन्होंने अपने होम ब्रीड के लिए भी रखे हैं, तो इसमें से फिलहाल अभी हम एक पेयर ले रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल ले रहे हैं। तो उसकी जो डील बनी है तो अभी ये लेके जा रहे हैं भैया। और इसमें से हमें भाई लाइट ब्रामा की जो है ना हमें सेलेक्ट करनी है, इसमें ब्लू ब्रामा भी है, ब्लू कोलंबियन ब्रामा भी है, तो वो हम नहीं ले रहे। उसमें एक लाइट कोलंबियन ब्रामा का मेल लेंगे और उसमें से एक फीमेल लेंगे। तो हम लोग भाई यहाँ पे बास्केट लेके आए हुए इनको ले जाने के लिए, और आज जो है वो तैयारी करके आए थे हम, तो इनको जो है वो उसमें पकड़ते हैं और साइड करवाते हैं। स्टार्ट रहे भाई, दोनों ने एक साथ हमला किया है, मगर भाई ऐसे नहीं करो। मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त हैं वो सारे, आपस में तुम लोग दोस्त हो, मगर अब जो है वो किसी को भी जाना होगा ना। मुर्गे जो है ना ये बड़े खतरनाक हो रहे हैं, अगर पकड़ना तो था भाई। ये है भाई, मैं आपको ये फीमेल दिखाऊं जाने बिल्कुल, और शायद कुछ देर बाद जो है वो ये रेडी टू ब्रीड होगी। अंदर जाओ, अंदर जाओ, छोटे पिंजरे में बंद हो ना, ये चल फिर नहीं रहेगी। आप देखे फेस इसका चेक करेंगे मुर्गी का, माशाल्लाह से ईगल फेस में है, ये चेक करेंगे माशाल्लाह ईगल फेस में है। मील निकाल ले, मील बड़े गुस्सा कर रहे हैं, ये जो है ना आपस में जो है बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। मैं चॉइस कर रहा हूँ कि अभी एक फीमेल इसमें से भी मैं निकाल लेता हूँ, ये भी डार्क ही है माशाल्लाह, ये भी फीमेल अच्छी है। अब ये डायो है इसमें से जो है वो एक मेल और एक फीमेल लेना। अच्छा भाई दोस्तों, हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, फीमेल हम ये ले रहे हैं और मेल जो है वो ये रहा। तो बस अब इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं, और इसमें भैया इसको लेके जाएंगे। तो मुर्गा मुर्गी अलग अलग कर लेते हैं, मुर्गी तो उसमें आ जाएगी। अभी आ गया भाई मुर्गा, चलो भाई हम इनको पैक करते हैं, इनको बिठाते हैं सुकून से। बैठो 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 बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश। चले मैं दोस्तों, लाइट कोलंबियन ब्रामा का पेयर जो है वो पैक हो चुका है, अब लेके जाएंगे भाई अपने दोस्त के घर पे लेके जाऊंगा मैं, वहाँ पे इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो भाई ये पेयर हम लोग लेके आए थे, और हुआ ये था कि भाई रास्ते में ही जो है वो इफ्तार के टाइम हो गया था, तो फिर जस्ट उसकी फिर मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं बना सका। तो घर आया हूँ मैं, घर आके मैंने इफ्तारी की है, उसके बाद फिर नहा धो के फिर अपनी वीडियो अपलोड की, उसके बाद फिर मैं शॉपिंग पर चला गया, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ जाके जो है वो उसको चेक कर सकूँ। तो आज इंशाल्लाह जाके भाई इनके अपडेट लेंगे कि भाई जो हमारा नया पेयर लाइट कोलंबियन ब्रामा का है वो क्या कर रहा है, नए घर में कैसे उसको रखा गया है, क्या सेटअप हुआ है उसका। और वहाँ पे भी मेरा दोस्त जो है वो सेटअप बना रहा है मुर्गियों का, इंशाल्लाह उसकी भी आपको अपडेट देंगे वो किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो मैं सबके पानी के बर्तन जमा करता हूँ और मल्टीविटामिन्स का पानी बनाता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करेंगे अपने छोटे वाले चूजों से, पुराने वाले जो हमारे पास हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। और दाना इनका वहाँ पर ख़त्म, पानी में उठा लूँ यहाँ से, ये पानी कौन सा था, ये तो सादा पानी का लेट गया था। बाकी भाई चूजे हमारे क्या कर रहे हैं, अभी क्या हाल है आपके, इसमें भी लाइट कोलंबियन ब्रामा के जो है वो चूजे हैं, बाकी जो है वो होम ब्रीड है और माशाल्लाह से सारे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और ये लकड़ी का बुरादा ऐड किया हुआ था, तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। आई थिंक आज तीसरा दिन है लकड़ी का बुरादा ऐड किए हुए, तो सेटिस्फेक्शन है, डेली चेंज नहीं करना पड़ रहा।
बाकी भाई हमारे बड़े वाले चूजो आप क्या कर रहे हो, बल्कि दरमियाने वाले कहेंगे ना इनको, फीट तो मुझे लग रहा है इनकी भी कम हुई हुई है। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो भाई, सेट है भाई माशाल्लाह सारे सेट है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है भाई माशाल्लाह, ब्रामा क्रॉस का बेहतरीन कलर आ रहा है, बड़ा यूनिक कलर आ रहा है, सिलेटी टाइप का। और कहते घूम रहा है तलाश कर रहा है कुछ, हमें क्या तलाश कर रहे हो तुम, अकेले अकेले घूम के क्या तलाश कर रहे हो। बाकी आई थिंक सबसे बड़ा ये लग रहा है मुझे साइज़ में, ब्रामा क्रॉस वाला माशाल्लाह। चलो भाई पानी का इनका बर्तन उठा लेते हैं और आपके अपडेट लेते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले ज़रा पानी का बर्तन उठा ले। ब्रामा एंड फैमिली क्या हाल है भाई आप लोगों के, पानी वानी है ख़त्म हो गया, पानी तो है अभी, हालांकि पानी मैंने कल भी कम ऐड किया था, तकरीबन एक लीटर के करीब मैंने ऐड किया था, मगर ये पूरा नहीं पी रहे पानी, क्या हो गया भाई, पानी का इंटेक कम है। हो सकता है कि यहाँ पे धूप नहीं आ रही ना, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा गर्मी लगती ना हो और पानी कम पी रहे हो। अच्छा भाई दोस्तों सबके जो है वो बर्तन यहाँ पे वॉश हो गए हैं और पानी मैंने ले लिया है, और ये जो है वो वीटासॉल सुपर है। अच्छा इसका कॉम्बिनेशन ये होता है कि 5 लीटर में जो है ना 1 ग्राम वीटासॉल सुपर आता है, तो ये तकरीबन 15 लीटर मैंने पानी लिया हुआ है और इसमें मैंने तकरीबन 3 ग्राम जो है वीटासॉल सुपर लिया हुआ है, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। इसको मैंने स्केल की मदद से नाप भी लिया था, तो 3 ग्राम के करीब है ये, तो ये आ गया भाई वीटासॉल सुपर। चलो मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा भाई दोस्तों माशाल्लाह से पानी जो है वो सबका रेडी है, तो सबको ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने छोटे वाले चूजों को, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, प्यास नहीं लगी है, ये चेक करें भाई अपनी होम ब्रीड वाला ब्रामा है माशाल्लाह से, कितना बड़ा हो गया ये। और बाकी क्या पोजीशन है, बाकी माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, फीड इनकी भी ऐड करनी है, फीड ख़त्म हो गई भाई माशाल्लाह से, फीड का इंटेक बहुत ज़्यादा हुआ है, तकरीबन मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, माशाल्लाह से बहुत फीड खा रहे हैं, क्योंकि चूज़ों की तादाद ज़्यादा है, बड़े कम है, तो अब जो दूसरे वाले चूज़े हैं इससे बड़े वाले उनको पानी ऐड करते हैं। चलो भाई आप लोगों के क्या हाल है, आपको कैसा लग रहा है, खुला खुला मैदान ये है, मज़ा आ रहा है। चलो भाई पानी की जो है इनको भी ज़रूरत थी, माशाल्लाह से पानी पे आ गए फ़ौरन। और अपडेट इनकी ये है कि भाई माशाल्लाह से सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं, और इसका कलर भी बड़ा अच्छा है भाई, यूनिक कलर है माशाल्लाह। तो कंप्लीट फ्लॉक भाई ये भी माशाल्लाह से हेल्दी एंड एक्टिव है। बाकी भाई हमारी आ रही यार फैमिली वन, क्या अपडेट है, कल तो उनके आई थिंक 3 अंडे आए थे, तो एवरेज थोड़ा कम हो गया क्या भाई, क्या बात है, थोड़ा कम एवरेज हो गया क्या। पहले पानी पियो आप, शाबाश पहले पानी पियो, उसके बाद आपके अंडों का एवरेज चेक करते हैं। और बाकी अपडेट क्या है भाई, फीड इनकी मौजूद है, बाकी माशाल्लाह से सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। वैसे एक बात है, इसमें 5 मुर्गियाँ हैं ना, तो एक मुर्गा भी इसके लिए बहुत है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद एक मुर्गा मैं शायद सेल कर दूँ, या एक मुर्गी के साथ पेयर बना के सेल कर दूँ। तो फिलहाल तो अभी मैं इनको रखूँगा, मगर ये कि इसके बाद ज़रूरत नहीं है मुझे इतने 2 मुर्गे इसमें रखने की ना, क्योंकि फिलहाल मुर्गियाँ मैं इतनी ही रखूँगा, मुर्गियाँ बढ़ाने का मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि मैं चिक्स की इनकी पोजीशन देखूँगा, चिक्स कैसे निकल रहे हैं, क्या इनकी पोजीशन है, किस तरह की जो है वो ब्रीड आ रही है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनको बढ़ाएंगे। तो बाकी अभी भाई कंडीशन ये है कि माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं। और अंडे कितने आए भाई आपके, माशाल्लाह भाई 2 अंडे आ गए, और अंडे का साइज़ चेक करें, तकरीबन वही आप कह सकते हैं जो लोमन ब्राउन जब उन्होंने अपने बड़े साइज़ के अंडे देने शुरू किए थे ना, तो उस साइज़ के ही अंडे माशाल्लाह से, साइज़ अच्छा अंडों का। बाकी आ रहे यार फैमिली 2 भाई, आपके अंडे कम आ रहे थे, आज देखते हैं भाई अंडा कोई आया कि नहीं। हाँ भाई अंडा कोई आया हुआ है, हाँ 2 अंडे नज़र आ रहे हैं। अच्छा कल का मैंने अंडा इनका उठाया नहीं था, हो सकता है अंडा भी इसमें शामिल हो। बाकी ये देखें भाई इस मुर्गे का कलर कितना गहरा है माशाल्लाह। इसकी बस फर्टिलिटी मुझे चेक करनी है, 2-3 दिन अभी मैंने 2-3 दिन तो हो गए मैंने इंक्यूबेटर में अंडे रखे हुए, 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि इस मुर्गे का जो मुर्गे उनके अंडे फर्टाइल है कि नहीं। बाकी 2 अंडे आए हुए, एक कल का होगा इसमें और एक आज का है। और हमारी ब्रावा एंड फैमिली, चलो भाई आप भी आके पानी पी लो, शाबाश आपके भी 2 अंडे आए हुए, उसकी वजह ये कि कल का भी मैंने अंडा उठाया नहीं था, तो उनके भी अंडा उठाना है, सफाई भी इनकी ड्यू है, सफाई भी इंशाल्लाह कराएंगे। अच्छा भाई दोस्तों बारी है छोटे वाले चूजों की अपडेट चेक करने की, और उनको भाई पानी भी ऐड कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इनको जो है वो हमारे पास जो है मल्टी विटामिन का पानी ऐड हो रहा है। पहले मैंने छोटा बर्तन ऐड किया हुआ था, ये मैं हटा देता हूँ, तो अब मैं बड़ा बर्तन ही इनको ऐड कर रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ, फ्रेश पानी के लिए आ जाओ, शाबाश आ जाओ। और ये है भाई हमारे लाइट कोलंबियन ब्रामा जो हमने बाय किए थे, अभी जो है वो घबरा रहे हैं ज़रा, सारे कोने में जमा हो गए, तो ज़रा घूमे फिरे तो उनका पता चले। बाकी फीड अभी इनकी मुझे ऐड करनी है, और जगह जो है वो इनके लिए भाई माशाल्लाह से सही है, ये काफ़ी बड़ी है। और इनकी अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह से सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं, तो अभी मैं इनको भाई बंद कर देता हूँ, वरना छोटे वाले जो है नीचे दब जाएंगे इनके। तो माशाल्लाह से ये भी सेट है सारे अपने नए घर में,
बाकी भाई इससे जो बड़े वाले ब्राह्मा के चूजे हमने लिए थे उनकी भी जरा अपडेट चेक करें और इनके इन पर थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं इनकी एज वगैरह के हवाले से और अब मैंने क्या सोचा है इनके वैसे ही पिंजरा इनके लिए छोटा है और कब तक इनको मुझे यहाँ पे रखना है क्या सोचा हुआ है मैंने जरा इस पर डिस्कस करते हैं। पहले पानी ऐड कर दूँ। चलो भाई शाबाश, पानी पी लो, आ जाओ। अच्छा भाई, ये वाले जो है ना ब्रामास, ये तकरीबन इसमें 3 महीने का भी है, कोई कोई 2 महीने का भी है और कोई तकरीबन 1.5 महीने का भी। सबसे छोटा आई थिंक 1.5 महीने का होगा, पीछे है वो तो। हाँ, वो पीछे है वहाँ पे कोने पे ना, सबसे पूरा कोने पे इसका सर नज़र आ रहा। तो वैसे भाई माशाल्लाह से ये भी सारे सेट है। और अब इनका मैंने ये सोचा है कि इनको मैं 3 दिन अभी मल्टीविटामिन का पानी दूंगा और इनको 3 दिन ही सेपरेट रखूंगा ताकि थोड़ा सा इनका जो है वो टाइम यहाँ पे क्वारंटाइन में स्पेंड हो जाए और मल्टीविटामिन का भी पानी पी ले। फिर इंशाल्लाह 3 दिन बाद जो है वो इनको मैं सोच रहा हूँ ये वाले चूजे जो है ना मास्टर केज में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें जो छोटे वाले चूजे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह इनको फिर मैं शिफ्ट कर दूंगा और ये वाले जो है इनको मैं इंशाल्लाह मेन जो हमारा बूटा है ना उसमें फिर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली प्लान है। तो 3 दिन इनको इंशाल्लाह मल्टीविटामिन का पानी पिलाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे। और ये देखिए भाई, ये वाले भी माशाल्लाह ब्रामा के कितने अच्छे जो है वो चूजे, माशाल्लाह लेसिस कितने अच्छे हैं, ईगल फेस में है भाई और इसमें खास एक ब्लू कोलंबियन भी है। ये वाली जो है ब्लू कोलंबियन है और ये जो है वो सबसे छोटा ही आई थिंक महीना, ये 1.5 महीने तक का होगा ये वाला चूजा, ये जो है ना ये 1.5 महीने तक का होगा। तो ये टोटल 7 है और माशाल्लाह से भाई ये भी सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा भाई दोस्तों, अभी जो है वो ब्रूटर की मुझे यहाँ सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हैं गंदगी हो गई है और इनको फीड भी ऐड करनी है। अच्छा भाई दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जो हमने पेयर बाय किया है उसको कहाँ पे जो है वो हमने रखा है वो मुझे दिखाना था आपको, बट मसरूफियत की वजह से भाई मैं क्लिप उसका बना नहीं सका। तो अभी के वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है जहाँ पे उसको रखा है, तो इंशाल्लाह प्रॉपर फिर मैं जाके जो है ना वहाँ पे एक क्लिप बनाऊंगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे और क्या काम चल रहा है उसके पीछे अब क्या बैकग्राउंड है इंशाल्लाह उस पर भी थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो उसका जो है वो जो यहाँ पे उनको हमने रखा हुआ है उस पेयर को लाइट ड्रामा के इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। बस भाई आजकल जो है वो मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, अपने बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है, उसके अलावा फिर घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और फिर शॉपिंग के हवाले से भाई वो रोज़ जाना ही कहीं ना कहीं होता है तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जो है वो चीज़ें जो है प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रही। तो खैर अभी जो है वो मैं यहाँ की सफाई करता हूँ और ये ड्यू हो गई है, तकरीबन 24 घंटे ही पेपर चल पाता है क्योंकि माशाल्लाह से क्वांटिटी यहाँ पे इनकी ज़्यादा है तो ये काफ़ी जल्दी जो है वो गंदा हो रहा है। तो खैर पानी इनका यहाँ पे मल्टीविटामिन का मौजूद था, ये भी रहने देंगे और इसकी मैं सफाई कर लेता हूँ अच्छी तरीके से और फिर नया पेपर जो है बिछाते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, यहाँ मैंने सफाई कर ली है और नया पेपर भी ऐड कर दिया है। अच्छा ये जो है ना डरते हैं बहुत, ये वाले चूजे सब जो है वो एक जगह कोने में जमा हो जाते हैं सारे के सारे। अच्छा भाई दोस्तों, उनको फीड भी ऐड करनी है तो यहाँ पे मैंने इनकी भाई फीड को जो है वो कूट के रखा हुआ है ताकि जो छोटे वाले चूजे हैं ना वो भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सके। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, फीड आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। फौरन भागते हुए नहीं आते, थोड़ा सा घबराते हैं। ये आया भाई एक छोटा वाला, दो जगह फीड ऐड कर देता हूँ मैं ताकि सुकून से खा लेंगे। ये रह गया भाई, माशाल्लाह से सारे फीड पे आ गए। अच्छा इनमें से जो है ना कुछ चूजे ऐसे हैं 3 या 4 के जो बहुत छोटे हैं। अब जैसे ये वाला चूज़ा ये काफ़ी छोटा है, ये वाला भी काफ़ी छोटा है तो इनके लिए स्पेशली जो है ना मुझे कूट के डालना पड़ता है फीड को। और मेरे खाते 2-3 चूज़े बहुत छोटे हैं, ये देखें ये वाला भी काफ़ी छोटा है, ये वाला भी छोटा है काफ़ी और ये तो थोड़ा दरमियाने साइज़ का है। तो इनके लिए स्पेशली जो है ना बारीक होगी तो फिर ये खा पाएंगे। और ये देखें अभी भी जो है ना इसको सही तरह जगह मिल नहीं रही है खाने के इस वाले चूज़े को, तो बड़े वाले जो है पहले खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल भाई ये इनकी अपडेट है और इनको जो है वो मुझे ज़रा थॉरली भी चेक करना पड़ रहा है, इनके नए नए आए हुए ये और अभी तक जो है वो जाहिर सी बात है जब वैसे भी ट्रैवल करता है वो बर्ड तो वैसे ही स्ट्रेस में होता है, वो जो होम ब्रीड तो है नहीं है कहीं से आए मेरे पास, तो उस वजह से ज़्यादा स्पेशली ज़रा इनको मैं देखता हूँ। तो छोटे वालों में जो है ना ज़रा नज़र ज़्यादा रखनी पड़ती है, कोई सुस्त तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल खैर अभी तो माशाल्लाह से सारे सेट है, हेल्दी एंड एक्टिव है और माशाल्लाह से फीड खा रहे हैं। बाकी भाई दोस्तों के अंडे कलेक्ट नहीं किए मैंने, मैं इनके अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ। इनके देखते हैं भाई आर आई आर के कितने आए हैं। है? 2 अंडे आए बस, क्या हो गया भाई सिर्फ 2 अंडे आपके? चले भाई 2 अंडे कलेक्ट कर लेते हैं, मगर ये कि भाई माशाल्लाह भी बड़े अच्छे साइज़ के अंडे चेक करें भाई, दोनों माशाल्लाह अच्छे साइज़ के अंडे। इनका तो वैसे मैं डेली उठा रहा था, जो RIR 2 और ब्राह्मण फैमिली उनके मैं अंडे कलेक्ट नहीं कर रहा था, ब्राह्मण के पहले मैं उठा लेता हूँ। ये देखे 2 अंडे आए हुए, तो ये 2 दिन के अंडे हैं भाई, ये आ गए। और RIR फैमिली 2 के भी अंडे कलेक्ट कर लूँ,
इनके अंडों का साइज देखते हैं, इनका भी अच्छा है अभी माशाल्लाह से अंडों का साइज। तो फाइनली भी अंडे भी कलेक्ट हो गए। मैंने कहा इससे पहले कि सुबह ही अंडे दें फिर वो और मिक्सअप हो जाए, तो इनको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। बाकी लाइट मैंने खोली नहीं, मैंने कहा अभी उनकी नींद ज़रा डिस्टर्ब होगी। चलो भी दोस्तों, आज के व्लॉग आया होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।